नागरिकता कानून पर सियासत पूरी ताकत से जारी है, लेकिन चर्चा में दिल्ली के शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी हैं, जो कि किसी सूरत में वहां से टस से मस होने को तैयार नहीं। महीने भर से जारी प्रदर्शन से लाखों लोग जाम झेल रहे हैं, पुलिस हाथ जोड़ रही है, अपील कर रही है, लेकिन प्रदर्शन के इरादों पर फर्क नहीं पड़ा है। जो दोनों साइड का रोड है ना, ये एक रोड खोल दो तो उससे जो यहाँ के लोग हैं उनको तकलीफ हो रखी है, वो ये आप ये एक मिनट ये आप ये आपकी मर्जी है, ये मैं एक अपील करने आया हूँ। नागरिकता कानून पर दिल्ली के शाहीन बाग के सड़क जाम पर अब नई जंग है। प्रदर्शनकारी जाम छोड़ने को तैयार नहीं और दिल्ली पुलिस के सामने अब आरजू मिन्नत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। आप जो दोनों साइड का रोड है ना, ये एक रोड खोल दो तो उससे जो यहाँ के लोग हैं उनको तकलीफ हो रखी है, वो ये आप ये एक मिनट ये आप ये आपकी मर्जी है, ये मैं एक अपील करने आया हूँ। जी हाँ, ये शाहीन बाग के SHO हैं। पिछले एक महीने से बंद पड़ी सड़क का सिर्फ एक हिस्सा खुलवाने के लिए प्रदर्शनकारियों से मिन्नत करने पहुँचे थे, लेकिन प्रदर्शनकारी धरना स्थल से हटने के लिए टस से मस नहीं हुए। कल की इस अपील का क्या असर रहा, ये आप खुद देख लीजिए। जो अगला कदम होगा उस पे सब लोगों की निगाहें हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इस समय भी अगर आप देखें तो शाहीन बाग में माहौल जो है, देखिए ये जो औरतें यहाँ पे हैं, एक महीना अब इन्हें हो चुका है, इनका ये कहना है कि जब तक की सरकार इनकी बात नहीं मानेगी, CAA NRC को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, ये लोग यहाँ से मूव नहीं करेंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसानों का एक जो गुट है वो भी यहाँ पे शाहीन बाग के अंदर आ चुका है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से वो अपने झंडों के साथ बैठे हैं, उनका भी ये कहना है कि हम यहाँ पे CAA और NRC जो है उसके अगेंस्ट बात करने आए। शाहीन बाग नागरिकता कानून के विरोध का प्रतीक बन गया। 15 दिसंबर से यहाँ महिलाएं धरने पर बैठी हैं। इस धरने का साइड इफेक्ट स्थानीय लोगों को भारी पड़ रहा है। यहाँ रहने वालों को आने जाने में भारी मुश्किलें हैं, लेकिन कानून विरोधी शाहीन बाग को संग्राम का संदेश बनाने पर अड़े हैं। कल यहाँ मणिशंकर भी आए और एक नया बयान देकर कांग्रेस के लिए नई मुश्किल खड़ी कर गए। अदालत के फैसले के बाद शाहीन बाग में दिल्ली पुलिस के सामने सख्त कार्रवाई का विकल्प नहीं रहा। पुलिस मान मनोबल से ही धरना खत्म कराने की कोशिश में है। विरोध पर एतराज नहीं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को आम लोगों की मुसीबतों के बारे में भी तो सोचना चाहिए। फरीद अली और मिलन शर्मा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों का इरादा फिलहाल मोर्चे से हटने का नहीं दिख रहा है। आज तक के कैमरे पर प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर कहा कि यह संघर्ष जारी रहेगा। शाहीन बाग इस समय एक जो प्रोटेस्ट CAA और NRC के अगेंस्ट चल रहा है उसका एक सिंबल बन चुका है। आप देख सकते हैं आज एक महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी काफी महिलाएं जो हैं सुबह से लेकर रात तक यहां पे धरना दे रही हैं। आपसे जानना चाहूंगी इस समय सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? क्या उम्मीद है सरकार को, ना दिख रही है? सरकार को भी तो सोचना चाहिए कि क्या उम्मीद है, क्यों बैठे हैं रोड पे? एक महीना से उन्हें ना दिखाई दे रहा है? दुनिया की चीजन में महंगाई पे महंगाई और NRC लिया है, बोलिया है अच्छे दिन आएंगे, कहाँ गए मोदी के अच्छे दिन? हमें देखो, नोटबंदी करी उसमें नहीं बोले, तलाक बोला उसमें नहीं बोले, बाबरी मस्जिद बोला उसमें नहीं बोले, अब हमारी जान पे हिला के रख दिया। क्यों रखा है हिला के? क्या चाहिए? मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, हम चारों भाई मिल के रहते हैं तो उसे उजाड़ने की क्या जरूरत पड़ी, ये बताओ हमें। एक महीना होगा सर्दी में पड़े हम, उससे शर्म नहीं आ रही माँ बहनों की? वो लगता है कि यहाँ से आप लोग उठेंगी, पुलिस आई थी, पुलिस ने भी बात बात करी थी, तो क्या यहाँ से विचार है उठेंगे? हम नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, हमको हमारा हक चाहिए, हमारा देश चाहिए, हम उठ जाएंगे, लिख के दे रहे आज ही उठ जाएंगे। मोदी साहब लिख के दे रहे हैं कि हम NRC और CAA लागू नहीं करेंगे देश में, हम उठ जाएंगे। कुछ ना कर रहे, सिर्फ हिंदू मुसलमान बैठे, हिंदू मुसलमान बैठे। लेकिन ये जो ट्रैफिक का इश्यू है, अगर पुलिस आज आती है तो क्या उठने का विचार है आप लोग? बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, गोली मार दे, मार दे। मणिशंकर अय्यर ने PM मोदी पर हमला किया तो BJP ने भी पलटवार किया है। उन्नाव से BJP की सांसद साक्षी महाराज ने आज तक से खास बातचीत की। तो मणिशंकर अय्यर को कुर्बानी देने से रोका किसने? हम तो रोकने जाएंगे नहीं। मुट्ठी भर लोग सारे देश को
प्रदूषित कर रहे हैं। सीए के मामले में सारा हिंदुस्तान सरकार के साथ, मोदी जी के साथ, अमित शाह के साथ खड़ा हुआ है। शहर शहर में लोग रैलियां अपने आप निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं, और सब आग्रह कर रहे हैं अमित शाह मोदी जी से कि एक इंच भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है, सारा देश आपके साथ खड़ा है। लेकिन मुट्ठी भर लोग देश में अराजकता फैला रहे हैं, बसें जला रहे हैं, ट्रेनें फूंक रहे हैं, जिसे जो विश्व का सबसे बड़ा नेता है, जिसने अभी अभी पुतिन को, ट्रंप को, सबको पीछे छोड़ा है, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पगला गई है, कमलनाथ बापदादे तक पहुंच गए। तो कुल मिलाकर के विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया।